Hello everybody, I welcome you again in my YouTube channel, that is Turbo Craze. हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं Hyundai Creta के फेसलिफ्टेड वर्जन के बारे में। Hyundai Creta एक SUV है जो कि काफी डिमांड में रह रहे हैं। जब से इसका लॉन्च हुआ है इंडियन मार्केट में, तीन इंजन ऑप्शंस के साथ आती हैं। इंजन्स काफी रिफाइनड हैं, पावरफुल हैं, ट्रांसमिशन के भी कई ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, IMT, मैनुअल और कन्वर्टर, जो कि बहुत पॉपुलर है इस सेगमेंट के अंदर। इस गाड़ी के कई कलर्स मार्केट में अवेलेबल करा दिए गए हैं और जो इसका ब्लैक कलर है वो काफी डिमांड में रह रहा है, क्योंकि ब्लैक में ये गाड़ी बिल्कुल प्रीमियम फील कराती है ऑन आउटसाइड। और अगर हम इसके प्राइसेस की बात करते हैं तो 10.2 लाख से शुरू होके 17.9 तक की गाड़ी आपको मिल जाएगी। अगर हम इस गाड़ी के वेरिएंट्स की बात करते हैं तो EX, SX, SX प्लस वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं। जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है वो SX प्लस, जो कि काफी डिमांड में रह रहा है और उसमें सारे इंपॉर्टेंट और फैंसी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाएगा। इस वाले वर्जन में, फेसलिफ्टेड वर्जन में, आपको 10.25 का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएगा और ठीक Hyundai Alcazar के जैसा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, फुल्ली डिजिटल। अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट का लुक काफ़ी सही बना दिया गया है, एक एजी डिज़ाइन हम कह सकते हैं। रोड प्रेजेंस इस गाड़ी काफ़ी अच्छा होने वाला है। जो LED DRLs हैं उनकी प्लेसमेंट बम्पर के ऊपर करा दी गई है। पहले ट्राई यूनिट में DRLs आते थे, अब इनको ऊपर थोड़ा प्लेस कर दिया गया है, जो लुक वाइज बहुत अच्छे लग रहे हैं। ग्रिल में चेंज हो गई हैं, ग्रिल इसकी अब काफ़ी स्लीक लग रही हैं, प्रीमियम लग रही हैं। ग्लासी ब्लैक फिनिश में इसकी ग्रिल दे दी गई है, बीच में Hyundai का लोगो। और जो हेडलाइट्स हैं उनकी प्लेसमेंट ठीक LEDs के नीचे करा दी गई हैं, जो कि ग्लो करते वक्त काफ़ी अच्छे लगते हैं। स्किड पलेट बम्पर में दिया गया है, नीचे सेटिन सिल्वर फिनिश में दिया हुआ है, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी सपोर्टियर लुक प्रोवाइड करा रहा है। व्हील्स पे व्हील आर्चेस दिए हुए हैं, साइड में भी नीचे बॉर्डर्स पे कलेडिंग की हुई है। और पीछे की लुक की अगर हम बात करते हैं तो पीछे का लुक लगभग वैसा ही है, थोड़े बहुत चेंजेस करा देंगे। नीचे बम्पर पे स्किड प्लेट और थोड़े बहुत टेल लाइट्स में चेंजिंग करा दी गई है। जो फ्रंट का लुक है वो काफी बोल्ड लग रहा है, काफी एग्रेसिव लग रहा है। और Creta जो है ये अब आ रही है एडास फीचर के साथ, जो एक इम्पोर्टेंट फीचर है, MG की हेक्टर में आता है, महिंद्रा की XUV700 में आता है। इसके मतलब है एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम, इसमें आपको मिलेंगे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और बाकी कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स, ऑटोनॉमस एमरजेंसी ब्रेकिंग एट्सेट्रा। ये गाड़ी जो है अब काफ़ी डिमांड में रहने वाली हैं, क्योंकि एक साल का तो वेटिंग पीरियड ऑलरेडी इस गाड़ी के अंदर लग गया है। जो इसका बैक कैमरा, उसकी विजिबिलिटी अच्छी है और काफ़ी फैंसी फीचर्स आते हैं इसमें। बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ आता है इसके अंदर और ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी भी आती है। अगर आपकी गाड़ी चोरी भी हो जाती है तो आप अपनी गाड़ी को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। स्टेयरिंग का फील काफ़ी अच्छा होने वाला है। और जो इसके इंजन्स हैं, अगर हम डीजल इंजन की बात करते हैं तो 115 BHP की पावर वो जनरेट करने वाला है और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करने वाला है, जो कि काफ़ी डिमांड में रह रहा है इसका।
और पेट्रोल इंजन्स भी काफ़ी सही हैं, पावरफुल हैं, 1.5 और 1.4 लीटर्स के आपको पेट्रोल इंजन्स भी मिलने वाले हैं, 4 सिलेंडर, जिनकी रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और अगर हम डीजल की बात करते हैं तो आपको टार्क कन्वर्टर भी मिल जाएगा। 433 लीटर की आपको बूट स्पेस मिलने वाली है, और 190 Nm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं करा दी जाएगी, डायमेंशंस पहले ही रहने वाले हैं। 17 इंच के आपको बड़े से डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। इसका पेट्रोल इंजन आपको 115 bhp की पावर और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करके देगा। 50 लीटर्स की इसमें फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है, और अगर हम माइलेज की बात करते हैं तो पेट्रोल में आपको ये करीबन 16 किलोमीटर अराउंड आपको माइलेज निकाल के दे देगी, और डीजल के अंदर आपको 23+ माइलेज आपको ये गाड़ी निकाल के दे देगी। और ये गाड़ी का लॉन्चिंग इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर तो हो गया है, इंडियन मार्केट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जून और जुलाई के अराउंड ये गाड़ी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।